हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिर्फ 6 दिनों की मलाई से, ये देखिए 100 ग्राम पनीर 100 ग्राम से ज़्यादा ही बनके तैयार हुई है, बिल्कुल मार्केट की तरह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत अच्छी पनीर बनके तैयार हुई है। और ये मैं कुछ मिठाई भी बनाना दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए बहुत ज़्यादा टेस्टी मिठाई बनके तैयार होती है। ये देखिए मैं आपको बिल्कुल पास से दिखा रही हूँ। और मैं 500 ग्राम घी आपको दिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा अच्छा घर का घी रहेगा। ये देखिए अच्छा घी बनके तैयार होता है। और मैं ये मट्ठा बना के दिखाऊंगी, जिससे आप अच्छी खासी कढ़ी बना के तैयार कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आप ये किस तरह से बना के तैयार कर सकते हैं, वो भी सिर्फ 6 दिनों की मलाई से। अगर आपको ये पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो देर किस बात की, चलिए मैं बताती हूँ। ये देखिए, ये मैंने मलाई ली है जो सिर्फ 6 दिनों की ही मलाई है। लेकिन आप ध्यान रखें, मलाई बाहर रखी हुई नहीं होनी चाहिए, आप फ्रिज में रखी हुई मलाई ही यूज करें। मलाई में बदबू नहीं आनी चाहिए, तभी आप इसका पूरी तरह से यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको पूरी तरह से यूज बताती हूँ आज मलाई का। ये मैंने इसमें 1 चम्मच मलाई निकाल ली है अलग से, इसका मैं आपको बताऊंगी कि बाद में क्या करना है। तो अब मैं ग्राइंड करने जा रही हूँ मलाई को, तो मैं धीरे धीरे करके ये मिक्सी के जार में पूरा डाल दूंगी। मिक्सी के जार में मैंने इसको पूरा डाल दिया, इसी में मैंने ठंडा पानी लिया है क्योंकि गर्मियों का सीज़न है, तो ठंडा पानी ही आप इसमें ऐड करें, बहुत ज़्यादा अच्छा ठंडा होना चाहिए। और सर्दियों के सीज़न में आप गर्म पानी यूज करें मलाई को मैं से घी निकालने में। तो अब मैंने बिल्कुल ठंडा ही पानी डाला है और पानी से मैं पूरा भर दूंगी इसको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मलाई नहीं है। अब मैं इसको रुक रुक कर 4 से 5 मिनट तक ग्राइंड करूंगी, जिससे आप देखेंगे पूरा घी ऊपर आ जाता है। और मैं आपको बताती हूँ सही तरीका क्या है। ये देखिए पूरा घी ऊपर आ गया है और बहुत ज़्यादा टाइट भी हो जाता है। ये देखिए ठंडा पानी डालने से बिल्कुल अलग ही आपको जो मट्ठा है, अभी मट्ठा पूरी तरह से नहीं बना है, लेकिन इसी को मट्ठा बना के तैयार करेंगे आगे चल के, इसी में से पनीर निकालेंगे। तो इसी तरह से हो जाना चाहिए, मैं आपको बिल्कुल सही तरीका बता रही हूँ। अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो बहुत अच्छा घी निकलेगा, मलाई में से घी बहुत अच्छे से नहीं निकलता है, ये इसी लिए नहीं निकलता है क्योंकि इस तरह से अगर मट्ठा नहीं अलग दिखाई देगा तो जब तक आप उसको अच्छे से फेंटते रहें। तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है, मैं इसको हाथ में लेके, ये देखिए मक्खन बिल्कुल तैयार हो चुका है। मैं इसको कढ़ाई में डालती जा रही हूँ और इसमें से ये निकालती जा रही हूँ। तो आप देख सकते हैं कितनी सारा मक्खन निकला है इतनी सी मलाई में। और इसी से मैं घी बना के तैयार करूँगी और इसमें से मावा भी निकलेगा, तो उसको मैं अलग मिठाई में यूज करूँगी। और मट्ठे का कलर इस तरह से होना चाहिए, बिल्कुल अलग दिखाई दे। और ये मक्खन बिल्कुल अलग निकल गया है। अब मैं दोनों को मैंने गैस पर रख दिया है, ये एक साइड में ये देखिए घी निकाल रही हूँ, एक साइड मैंने पनीर निकालने के लिए ये रख दिया है जो उसमें से जो दूध दूध सा निकला है, ये देखिए। तो दोनों को मैंने हाई फ्लेम पर ही रखा है, जल्दी ही बनके ये तैयार हो जाएंगे। मैं अब इसमें 1 बड़ा चम्मच विनेगर डाल दूंगी, जिससे कि पनीर निकल आएगा। ये देखिए अब जल्दी ही पनीर बनके तैयार हो जाएगा। और जो मैंने मलाई निकाली थी वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ, जिससे ये पनीर बिल्कुल ही मार्केट की तरह बनके तैयार हो जाएगी। जो उसमें जो टेक्सचर रहता है वो सेम वैसा ही आ जाएगा पनीर का। तो थोड़ी देर ही मैं इसको चलाती रहूँगी और ये बिल्कुल तैयार हो जाएगा। ये देखिए मैंने गैस की फ्लेम हाई पर ही की है कि जिससे ये जल्दी बनके तैयार हो जाए। एक साइड पनीर भी मैंने बनाने के लिए रख दी है। ये देखिए थोड़ी ही देर में ये फटने लगा है और पनीर बनने ही वाली है, बिल्कुल ये अलग ही अलग हो जाएंगे, इसका मतलब ये पनीर बिल्कुल बनके तैयार ही हो गया। एक साइड में घी बना के तैयार कर रही हूँ, इसमें से मावा अलग निकल आएगा। तो मैं आपको बताती हूँ कितनी देर में ये रेडी हो जाएंगे। ये देखिए ये पनीर बिल्कुल रेडी हो चुकी है, मैंने गैस की फ्लेम ऑफ कर दी है और अब मैं इसको छान लूँगी अलग। तो पनीर बिल्कुल रेडी हो चुकी है, ये देखिए इसी तरह से जब हो जाएगा तो आप समझ जाएं कि पनीर बिल्कुल रेडी है। अब इसको 1 से 2 मिनट में ही ये घी और मावा बनने वाला है। घी का कलर आप देख रहे होंगे, घर के घी की बात ही अलग होती है, ये कलर तो सुंदर लग ही रहा है, टेस्ट में भी बहुत अच्छा लगता है घर का घी। तो अभी होने ही वाला है और ये देखिए ये झाग इसमें बनने लगे हैं, इसका मतलब ये हो चुका है। गैस की फ्लेम तुरंत ऑफ कर दें जैसे ही झाग बनने लगे और इसको छान लें, तो मावा और घी तो रेडी है। ये देखिए
इस तरह से मैं इसको छान लूँगी। और ये मावा और घी बिल्कुल रेडी हो चुका है, मैं इसको एक साइड रख दूँगी। और ये पनीर भी रेडी हो चुकी है, मैं इसको भी छान लूँगी। तो मैं इसको छन्नी से ही छान लूँगी नॉर्मली जो होती है। ये देखिए इसी तरह से मैं पनीर निकाल लूँगी अलग, और जो मट्ठा है वो अलग बन के तैयार हो जाएगा। ये अभी भी मट्ठा बन के तैयार नहीं हुआ है, इसमें मैं जो इसका जो पानी निकल रहा है इसमें मैं थोड़ा सा दही डाल के रख दूँगी। और ये देखिए मैंने थोड़ा सा इसको धो लिया है, थोड़ा सा इसमें सादा पानी डाल दिया है जिससे इसमें जो विनेगर की खटास होती है वो भी चली जाती है। तो पनीर बिल्कुल रेडी है, ये देखिए 100 ग्राम से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं है। तो आप देख सकते हैं अब ये लास्ट चांस आया है, ये मैं मिठाई बना के दिखा रही हूँ। तो मैंने एक चम्मच घी डाला है और इसमें 2 चम्मच मैंने सूजी डाल दी है। किसी की भी मिठाई बना के आप इसमें तैयार कर सकते हैं, आप ब्रेड क्रम्स की भी मिठाई बना के तैयार कर सकते हैं। मैंने इसमें सूजी को भून लिया है और सूजी जब हल्की सी कलर चेंज करने लगे तो मैं इसमें ब्रेड क्रम्स ऐड कर रही हूँ। ये देखिए मैंने ब्रेड क्रम्स इसमें ऐड कर दिए हैं और इनको भी मैं थोड़ी देर के लिए चलाती रहूँगी। और इसके बाद जो मावा निकला है वो मैंने डाल दिया। मैंने घी इसमें इसीलिए कम डाला है इस मिठाई में क्योंकि इस जो मावा रहता है इसमें काफ़ी घी रहता है, तो इसीलिए मैं इसको बराबर से अब चलाती रहूँगी। और लास्ट में ये देखिए डेसिकेटेड कोकोनट भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब मैं इसमें लास्ट में चीनी ऐड करूँगी। ये मिठाई भी बहुत अच्छी बनके तैयार होगी, आप ये मत सोचें कि ये कैसे लगेगी। इसको आप कभी ज़रूर ट्राई करें, जब भी आप घी निकालें अपनी मलाई से तो ये ज़रूर बना के देखें, ये भी बहुत अच्छी लगेगी आपको। मेरे बच्चों को तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है। अब मैं इसमें दूध डाल रही हूँ, पानी नहीं डालना है इसमें, दूध ही डालना है। और लास्ट में कुछ नहीं इलायची ही बची हुई है तो मैं इसमें इलायची पाउडर भी डाल दूँगी, थोड़ा सा ही। मैंने 1 चम्मच इसमें इलायची का पाउडर डाल दिया है और ये मिठाई भी बिल्कुल रेडी है। ये देखिए ये भी बहुत ज़्यादा मिनटों में ही बन जाती है, तो सारा सामान बहुत जल्दी बनके तैयार हो चुका है। और ये मैंने सिर्फ इसमें मुझे पसंद है ये मैंने गुलाब की पत्तियाँ सूखी हुई मैंने डाल दी हैं इसमें। अब मैंने इसको ग्रीस की हुई प्लेट में निकाल रही हूँ। और ये देखिए अब मैं इसके पीस कट करके दिखाती हूँ आपको, कितनी आसानी से ये मिठाई मिनटों में ही बनके तैयार हो जाती है, ये देखिए। तो आप देख सकते हैं सब कुछ रेडी है। मैंने जो उसमें से जो छाछ निकली है उसमें भी मैंने थोड़ा सा दही डाल के रख दिया था और उसको 5 से 6 घंटे के लिए छोड़ दें, बहुत अच्छा मट्ठा बनके तैयार हो जाता है। ये देखिए मिठाई भी बहुत ज़्यादा अच्छी बनके तैयार हुई है, इसको भी आप ज़रूर ट्राई करें। तो आप देख सकते हैं चारों चीज़ें रेडी हैं, ये पनीर बिल्कुल मार्केट की तरह बनके तैयार हुई है। आप विश्वास नहीं करेंगे कि ये आपने मट्ठे से बना के तैयार की है। ये देखिए मैं आपको कट करके भी दिखाऊंगी कितनी अच्छी बनके तैयार हुई है। और ये मिठाई बनी है तो आपने मलाई का इतना अच्छा यूज़ कहीं नहीं देखा होगा, जिससे इतनी अच्छी चीज़ें बनके तैयार भी हो सकती हैं। ये देख सकते हैं कितनी अच्छी मिठाई भी बनी है, सब कुछ अच्छा बना है, आप विश्वास नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है घी की भी। तो मैं जब भी मलाई को मतलब कि घी बनाती हूँ तो मैं सारी चीज़ें बनाती हूँ। और ये देखिए ये मैंने घी भी निकाल के रखा है आपके लिए। मैंने घी तो निकाला था डिब्बे में, लेकिन मैंने सोचा कि आपके लिए इसमें निकाल के दिखाती हूँ। ये मट्ठा भी बहुत अच्छा बन के तैयार होता है, आपने तो सुना ही होगा कढ़ी के बारे में, इससे बहुत अच्छी कढ़ी ज़रूर बन के तैयार होती है। तो ये सारी चीज़ें आप सिर्फ 6 दिन की मलाई से बना के तैयार कर सकते हैं। मेरे यहाँ दूध अच्छा आता है, मलाई भी बहुत अच्छी निकलती है, तो इसीलिए इतनी अच्छी सारी चीज़ें मैं बना के आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए मैं आपको पनीर कट करके भी दिखा रही हूँ, ये देखिए। तो देखा आपने कितनी अच्छी बन के तैयार हो गई है, ये देखिए बिल्कुल मार्केट की तरह लग रही है। तो आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करें, मैं आपको और भी कट करके दिखाती हूँ, ये देखिए। अगर आपको ये मेरे सारे सामान पसंद आए हो वो भी 6 दिन की मलाई से, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन जरूर दबा दें जिससे आपको मेरी सारी वीडियोज टाइम टू टाइम मिलती रहे। और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।